नमस्कार। इस समय से हमारे सामने जो एक बिटिया बैठी है, इसका नाम खुशी है और मांडू एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पे मैं 3 दिन से हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। आप देखिए, ये इमली है, बहुत ही खट्टी मीठी, और जब आप इसे तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा इसमें से निकलेगा वाइट। कहा जाता है कि जब पहाड़ों पे कोई इंसान जाता है और इसे खा लेता है तो स्टैमिना बनता है और पानी की कमी को भी ये दूर करता है। खुशी बेटा, आप क्या बेच रहे हो? अच्छा बेटा, क्या होता है इससे खाने से? इधर देखो, क्या होता है खाने से? इसे खाने से क्या होगा? ये कैसी होती है खाने में? खट्टी मीठी? कितने रुपए की एक है बेटा? ये 10 रुपए का पाउच है। चलो मुझे आप ये 10 दे दो। आप कैसे इसे पॉलिथीन पे डाल दो 10। इसे खाने से क्या होगा? मैं खाऊंगा तो क्या होगा बताओ? पानी की कभी दूर होगी? हैं? देखो कोई बात नहीं, खुशी शर्मा रही है, फर्स्ट टाइम हो सकता है ये कैमरे को फेस कर रही हूँ। ये नवीन जी, इसको खाने से वाकई में पानी की कमी दूर होती है? इसको खाने से पानी की कमी, हमें 1 से 1.5 घंटे तक पानी की प्यास का एहसास नहीं होता। इसको खाने से खट्टा मीठा टेस्ट निकल जाता है, जिससे हमारे जवान के अंदर से लार से पानी को निकाल कर लाता है, जिससे हमारा गला जब ट्रैकिंग करते वक्त चढ़ाई करते वक्त सूख जाता है तो उसको ये गीला करता है। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि पानी को कमी को दूर करने वाली इमली है। हम लोग इसे टॉफी की तरह अपने मुँह में डालकर रखें तो ये घुलता रहेगा, और इसके अंदर ब्लैक सीड है, वो सीड हम लोग फेंक दें उसे। आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया? हाँ, एक्सपीरियंस किया है। पहाड़ी पे जहाँ पर भी हम लोग ट्रैकिंग करना के लिए जाते हैं तो अपने पॉकेट में इसको रख के लेकर जाते हैं। जहाँ पर भी पानी का एहसास कम, हमें पानी की प्यास का एहसास होता है, बस एक बीज निकाला हमारे क्लाइंट को भी, और हम भी उसे एक एक बीज को मुँह में डालते हैं तो 1.5 घंटे तक हमें पानी की। कैसा है खाने में? खट्टा मीठा होता है। कैसे खाया जाता है? बस रखना है, अपने आप गलता रहेगा। वाकई में ये खुशी बेटा बहुत, इससे तो हमने 10 पैकेट ले लिए और ये कुछ ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीवन में पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा है कि इसको रख लो और पानी की कमी दूर हो जाए। हालांकि बहुत गर्मियों में हमेशा ये देखा जाता है कि पानी की कमी हो जाती है, अगर आप इसे लो तो पानी कमी दूर हो सकती है। नवीन जी कुछ बता रहे हैं जी। ये जब गुलाम वंश रहा था तो उन मजदूरों को जिन्हें बंदी बनाया जाता था, ट्राइबल लोगों को, युगांडा हो या साउथ अफ्रीका का जो ट्राइबल क्षेत्र हो, उन्हें बंदी बना के उनके ऊपर वजन रख के इस मालवा तक लाया जाता था। तो वो लोग अफ्रीका के छोटे से शहर, इसका पेड़ का जो तना होता है लगभग चौड़ाई अगर हम लोग देखें तो 20 मीटर राउंड अप होता है, इतना बिगेस्ट होता है। इसका जो फल होता है वो अपने साथ लेकर आए थे जब राजा महाराजाओं की सेना उन्हें बंदी बनाती थी, जहाँ पर भी उन्हें प्यास का एहसास होता था इसे अपने मुँह में डाल लेते थे। और इसका जो कवर्ड है, इसको पीसने के बाद उन्हें जब चोटें लगती थी उस चोटों के घावों में इसे रख लेते थे तो ये उसे पकड़ लेता था, और जब तक वो घाव अच्छा नहीं होता था तब तक ये निकलता नहीं था। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये देखने को मिली है, ये इमली है। हालांकि ये 50 रुपये की बिक रही है और इसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है, वाइट कलर की टॉफीज। अगर इसको हम एक पैकेट को खरीद रहे तो 10 रुपये का पैकेट है। ये एक टॉफी ऐसी है और खुशी हमारी जो बच्चा है बहुत शर्मा रहा है। कोई बात नहीं खुशी, आपकी हमने फोटो ले ली है और हम इसको डालेंगे और बहुत सारे लोग आपसे ये टॉफी खरीदने आएंगे। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये नवीन जी थे जिन्होंने हमें ये बताया। अगर आप मांडू घूमने आते हैं और जहाज महल, ये रास्ता जहाज महल की तरफ आ रहा है और जहाज महल के पास ये बिटिया बैठी है, खुशी नाम है, आप आइए और खुशी से ये इमली खरीदिए, वाकई में बहुत फायदेमंद है। हालांकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, पानी की कमी अक्सर देखी जाती है, अगर आप ये खाएंगे तो पानी की कमी दूर हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जहाज महल के बाहर खड़ा हूँ और बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहेंगे, फॉलो कीजिए। नमस्कार।